गोरखपुर का ये चिड़ियाघर आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, चिड़िया की तरफ नहीं गए, पहले बाघ को देखना था इसलिए इधर से आ गए। नाम क्या बताया? नीलम मिश्रा। तो आप अगर चिड़ियाघर में आ रहे हैं, बाघ ना देखे तो फिर क्या देखे, है ना? भालू ना देखा तो आपने क्या देखा? तो बाघ को एकदम किनारे रखा गया है बाड़ा, और शानदार तरीके से देखिए, वो मेरे जस्ट बाएं साइड वो बाघ घूम रहा है ना, और लोग देख रहे हैं। तो वो बाघ भी सोच रहा है कि जनता को हम देख रहे हैं कि जनता हमको देख रही है, ये कन्फ्यूज़न यहाँ बना हुआ है। और ज़बरदस्त भीड़ है चिड़ियाघर में, आज संडे का दिन है, और देखिए शानदार तरीके से वो बाघ, ज़रा जूम करके दिखाइए, कितने स्वस्थ हैं और कितना ध्यान यहाँ के कर्मचारी दे रहे हैं, सरकार कितना ध्यान दे रही है, वो कितने मस्त हैं, और लोग कितना शानदार तरीके से पैसा वसूल है आज का टिकट। आज संडे को गोरखपुर की जनता, बाहर की जनता, लोग आरा से भी यहाँ आए हुए हैं, और देखिए किस तरह से वो बाघ दिख रहा है। आप कहाँ से हो? हम पटना से आए हुए हैं। पटना से आए हुए चिड़ियाघर आए हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे चिड़ियाघर, आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हर चीज बहुत अच्छा दिख रहा है सब कुछ। बेटा कैसा लग रहा है बोल दो। अच्छा, अच्छा आप कहाँ से आए हो? हम भी पटना से आए। कैसा लगा चिड़ियाघर आके? अच्छा लगा। तो देखिए ये जनता है और जनता का पैसा वसूल है, लोग पटना से भी आए हैं और बाघ का आनंद ले रहे हैं। भैया चिड़ियाघर में चिड़िया आपने देखा, तोता देखा, लेकिन बाघ ना देखा तो फिर क्या देखा? जब बाघ सोए होते हैं तो जनता निराश होती है, कुछ देर तक वेट करती है कि काश ये बाघ जग जाए, हम देख के जाएं, पैसा वसूल तो हो। लेकिन मौसम भी साथ दे रहा है, शानदार मौसम है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, और देखिए किस तरह से सारे जानवर अपने बाड़े में घूम रहे हैं, और जानवर इंसान को देख रहे हैं, इंसान जानवर को देख रहे हैं। एक कंफ्यूजन पैदा है कि कौन है बाड़े में, इंसान तो नहीं है बाड़े में या मैं बाड़े में हूं। तो देखिए किस तरह से घूमता हुआ ये बाघ ये दिखा रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बड़ा सुरक्षित हूं, बड़ा शानदार तरीके से हूं। और देखिए किस तरह से कर्मचारियों ने भी बड़ा ध्यान दिया है, कितना स्वस्थ है वो बाघ, है ना? तो आइए किसी और बाड़े में चलते हैं, वहां की स्थिति दिखाने की कोशिश करते हैं। रुकिए, क्या नाम पड़ेगा आपका? नीलम मिश्रा। कहां से आए हो आप? हम थाना दोहरी घाट मऊ से। तो मऊ से हैं आप? क्या पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है गोरखपुर का ये चिड़ियाघर, आके आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आप आते हैं बाघ को देख लेते हैं, वो भी चलते फिरते बाघ को, तो पैसा वसूल तो है ही। तो ये तो उल्टा देखना शुरू कर रहे हैं। हाँ, चिड़िया की तरफ नहीं गए, पहले बाघ को देखना था इसलिए इधर से आ गए। अच्छा, नाम क्या बताया? नीलम मिश्रा। नीलम मिश्रा जी मऊ से आई हैं और इन्होंने उल्टा ही देखना शुरू किया, मतलब कि एकदम लास्ट छोर से बाघ को ही देखना इन्होंने शुरू किया, पैसा वसूल है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आइए किसी और बाड़े में चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है स्थिति, क्योंकि जनता जबरदस्त मतलब भीड़ है। भैया आइए आगे आपको दिखा। चलो एक बार दिखा लो।